फटाफट अंदाज में खबरें। उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण के मतदान के लिए मंच तैयार है, जहां 9 जिलों में फैले 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में 16 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों में मतदान होगा। 59 विधानसभा सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने इन 59 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट उसके सहयोगी अपना दल जीती थी। 4 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। इस चरण में राज्य की राजधानी लखनऊ में भी मतदान हो रहा है, जिसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 8 बीजेपी के पास हैं। साथ ही इस चरण में लखीमपुर खीरी में भी मतदान होना है, जो तिकुनिया कांड के बाद से ही काफी सुर्खियों में रहा है। यूपी में चौथे चरण के लिए कल मतदान है, लेकिन अभी 172 सीटों पर चुनाव बाकी है। चुनाव के पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए नेता प्रचार में जी जान से लगे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:35 में यूपी के बहराइच में फयागपुर के शिवदहा मोड़ स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतापगढ़ और प्रयागराज में चुनावी सभा करेंगे। प्रयागराज में वो रोड शो भी करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज देवरिया और बलिया में जनसभा है। शाम में गोरखपुर में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सुल्तानपुर और प्रयागराज के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में कई जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उधर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रतापगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां कार्यकर्ता संवाद, संगठनात्मक बैठक, जनसंपर्क और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अखिलेश का प्रयागराज जिले में अंताहिया, मजरा, गढ़वा खुर्द, बिरजापुर मार्ग, करचना में कार्यकर्ता सम्मेलन है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गोरखपुर की सहजनवाज सीट, संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट और बस्ती में रुधौली सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वे सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर में राम भक्तों की जनसभा में कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले जो वादा राम भक्तों के साथ किया था वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में यूपी में बिजली की मजहबी हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि बिजली ईद और मुहर्रम पर आती थी, आज पूरे अयोध्या में 24 घंटे बिजली आती है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। सपा की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और सैकड़ों राम भक्त मारे गए। योगी ने कहा कि पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार आने पर कई वादे किए हैं और कहा कि बीएसपी की सरकार में सभी को रोजगार मिलेगा और गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि किसानों के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। लखनऊ की एक और सीट जिस पर पूरे यूपी की नजर है, वो है लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट। यहां से यूपी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक चुनावी मैदान में है और विपक्षी पार्टियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। बृजेश पाठक ने कहा कि इस बार यूपी में फिर से बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने वाली है। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव ने गांव गांव जाकर व्यापक पैमाने पर लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। गुना में कुछ बदमाशों ने महिला बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। इधर एटा में रिक्शा चालक का शव खेत पर पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। अमरोहा में 2 भागों में नवजात बच्ची का शव मिला, जिसे कुत्तों ने नोच कर निवाला बना लिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में जिला अस्पताल में महिला ने युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद लोगों ने युवक को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार ने हिस्सा लिया।
बिजनौर में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर ट्यूबवेल से बिजली के तार और स्टार्टर की चोरी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 315 बोर तमंचे, चाकू और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मिर्जापुर में डीजे खरीदने के लिए नाबालिग भाइयों ने पड़ोसी के घर में लाखों की चोरी की, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। आगरा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में 3 प्रभारियों के साथ स्वच्छता की मॉनिटरिंग की जाएगी। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दर्जनों जुआरी 1000 रुपए के दाव लगाते नजर आ रहे हैं। बदायूं के उजानी कोतवाली इलाके में राजमिस्त्री का शव पेड़ से लटकता मिला, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में भाई ने अपनी बहन और बहन के प्रेमी को गोली मार दी। गोली लगने से जहां एक तरफ बहन की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरी तरफ बहन का प्रेमी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जौनपुर के सिगराव थाना क्षेत्र में एक युवक ने बाप और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और किसानों को इफको आंवला इकाई में स्थायी रोजगार देने की मांग की। बिजनौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पर्यटक तुंगनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कपाट बंद होने के बावजूद भी सैलानी मंदिर में पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। रुड़की में एक भाई ने दूसरे भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जांच कर रही है। चंपावत में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसा सुबह 3 से 4 बजे के बीच का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक उस वक्त 16 लोग जीप में सवार होकर शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी उनका वाहन खाई में जा गिरा। फिलहाल SDRF की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू जारी है। इस हादसे में 2 लोग घायल हैं, फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। रेस्क्यू टीम घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज चुकी है। मृतकों के शव निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम ने लिखा कि उत्तराखंड के चंपावत में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है, इसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है, दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रुड़की के सेंटेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के विरोध में सैकड़ों अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा काटा और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान अभिभावकों के गुस्से को देखते हुए स्कूल प्रबंधक में यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। अभिभावकों का आरोप था कि कोरोना काल में स्कूल बंद थे और सभी काम पूरी तरह से ठप थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन मेंटेनेंस चार्ज वसूलने का दबाव बना रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं, बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में वर्षा हो सकती है। दूसरी तरफ कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में भी बारिश होने की संभावना है। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान पति और उसके फूफा ने दलित युवा के साथ बुरी तरह से मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गांव बिहारगढ़ में दलित समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें समझौते के दौरान ग्राम प्रधान पति संजय चौहान और उसका फूफा ओम प्रकाश भी मौजूद थे। तभी एक व्यक्ति ने ओम प्रकाश के साथ कहासुनी शुरू की और दोनों में मारपीट होने लगी। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में गन्ने से भरी ट्रॉली और CISF की बस में अचानक टक्कर हो गई। हादसे में करीब 18 जवान घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा के हरिपर्वत थाना इलाके में दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सहारनपुर में सांसद का चुनाव लड़ चुकी युवती को घसीट घसीट कर पीटा गया, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। जिले में 500 मॉडल बूथ बनाए गए हैं, 20 सखी बूथ बनाए गए हैं और 20 दिव्यांग बूथ अलग से बनाए गए हैं। मथुरा के वृंदावन में प्रमुख संत और भागवत वक्ता के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि JNM की छात्रा ने भागवताचार्य पर नौकरी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में तारपीन तेल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फरजाबाद के बसई थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा में पत्रकार के घर में 50,000 की नकदी और लाखों के सोने के जेवरात समेत घर के बर्तन कपड़े भी लेकर चोर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि चोरी के दौरान घर में कोई भी नहीं था। महोबा में वैवाहिक कार्यक्रम की रस्में कर लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दूल्हे के फौजी भाई की मौत हो गई। दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फतेहपुर के विजयपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई ना करवाकर फावड़ा थमाकर काम करवाया जा रहा है। औरैया के बिधुना थाना क्षेत्र में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत के बावजूद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में फौजी की पत्नी की नर्सिंग होम पे मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर गलत ट्रीटमेंट करने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच जारी है। आगरा में हाईटेक तरीके से कार की चोरी की गई, लैपटॉप से गाड़ी का लॉक खोला गया। गाड़ी का लॉक खोलते समय पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चोर चोरी कर फरार हो गए थे।